कौन नेता कार्यकर्ता यहाँ दलाल बैठल बा, अपने पहचान करी आ कार्रवाई करी, आ ना तो सब पंच के आ सब नेता के अपने के दलाल कहे के ना मिली, कि निमन बात ना भई। इतने कहते मात्र DSP आदेश कल आ इंस्पेक्टर आ DSP दोनों मिलकर रूमे में पहले हमारा के बजरल पटकल मेरुदंड पर मरल, ओकरा बाद बरंडा में भी एक बेर आवरी पटकल मेरुदंड पर मरल, आ जो कथी से मारत रहे लोग लात से जूता पहले रहे लात से मरल, जब गिर गए भूख सुनिए तो लात से मेरुदंड पर मरल। ज्यादती कैले बा बारा जिला के कांग्रेस के जिला सचिव बानी भैयाराम यादव, अभी यहाँ के स्पर्श मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जोन गंडक में बा ओमे एडमिट बानी, आज यहाँ के दिल्ली रेफर हो रहा बानी कह के सुनल गई बा। अभी अपने के स्वास्थ्य अवस्था कैसन बा? अभी तुरंत डॉक्टर साहब अल हन, डॉक्टर साहब एक मेडिसिन तक चला रहा बन, औषधि खा रहा बनी, लेकिन डॉक्टर साहब के जो रिपोर्ट देखल बा सूर्य से जहिया से हम यहाँ भरना बानी MRI के रिपोर्ट आई, वही दिन से कहता कि तोरा स्पाइनल कॉर्ड में समस्या बा, स्पाइनल कॉर्ड में समस्या बा, दवाई खात रहनी है आज अभी अब फिर कह के जाता हम कि बोलो ऑपरेशन करे के पड़ी, तोहर दू गो जो नर्स बाटे उ नस चपा गई बाके ऑपरेशन करके खोले के पड़ी कह के कहल हम, तो इससे हमारा कथी बुझाताटे कि यहाँ ऑपरेशन बीरगंज में ऑपरेशन करा, अगर ऑपरेशन करा हो के पड़ी तो हम इंडिया में जाए, वहाँ उ हिसाब से हमारा सुविधा हो कह के हमारा एगो अपन बुझाई बा, जैसे हम इंडिया जाए के दिल्ली जाए के प्लान कर चुकल बा। अच्छा, ये अपने के पुलिस से मार लगा जी, हमारा के DSP पुरुषोत्तम पांडे आ इंस्पेक्टर रूपेश शाह, इहे दू आदमी मिल के हमारा के कुटपीट कर वालों, गाली बेइज्जती कर वालों, हमारा मेरुदंड में समस्या ले आए वाला काम इंस्पेक्टर रूपेश के पिटाई आ इस DSP पुरुषोत्तम पांडे के पिटाई के चलते ही हमारा मेरुदंड के समस्या शुरू हो। ये कहिया के बात हो गया? ये अपने के मंगल के दिन के बात है, शायद दो गते की तीन गते है, सावन दो गते की बात है, जिला पंचायती रहे, पंचायती होकर फरियाए पड़े एगो पिकअप वाला जो है वीरगंज के आ एगो मोटरसाइकिल कले करबारा जिला के, दोनों के एक्सीडेंट के घटना रहे, नेपाल पुलिस के जो चौकी बाटे अथी में कथी कहे बस स्टैंड के पुलिस चौकी है, पंच ब्लाक में लोग बैठ के आज से एक महीना पहले 70% आ 30% 70% पैसा पिकअप वाला देखे देवे के 30% पैसा मोटरसाइकिल वाला अपने व्यवहारी कह के पंचायती फरियाल पंचायती है, लेकिन पिकअप वाला ओकरा के 5 रुपया ना देला के चलते ओकर अभी 5 लाख तक में से ज़्यादा के बिल आ चुकल बा, तो वो हिसाब से वो अपन बात कैल बात ओकरा सहयोग ना मिलत रहे तो हमरा कहलक हम पंचायती फरियाल पंचायती में SP साहब से जाके रिक्वेस्ट करी, SP साहब थारो आदेश दिलन कि उपचार में संलग्न कराबे, लेकिन 11 दिन तक ले हो गए फिर भी उपचार में संलग्न ना हो, हम तो सरकार पटक SP साहब से भेंट करी, तो SP साहब के आदेश भेल कि अब ओकरा के जो पिकअप वाला ओकरा के पकड़ के राख के आ तब ओकरा बाद उपचार में संलग्न कराबे के बोलू, हम आदेश पर चुकल बन तो हम फिर घर चल गए आ इंस्पेक्टर रूपेश जो बा फिर पिकअप वाला के मोटरसाइकिल वाला के बुला के संजय कनी पंचायती करावे लगल, आ पंचायती करावे के दौरान में कि मोटरसाइकिल वाला पीड़ित जवन बा जब के बच्चा के ऑपरेशन भेल बनिया न्यूरो हॉस्पिटल में वो हमरा के फोन करल जो कहीं कुछ पर साइन करा लिया के एक बार देखल जा, तो वो ला हम गईनी तौले इंस्पेक्टर रूपेश पंचायती के क्रम में हम कट्टा देर बैठनी तौले बोला करें कि ये बारा जिला के सारा पंच दलाल बा, सारा राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता दलाल बा, SP ऑफिस भीतर ये लोग पैर रखेला दलाली करेला, तो सारा पंच लोग जुर्मुरा के हल्ला करे लगल जो कौन में दलाल बा कौन में चोर बा ये तोरा कहे के पड़ा, तो हम चुप कर ली सारा लोग के प्रहरी को और अलवा की जो भैयाराम जी कहीं ना कहीं पंचायती सहमति होके ना देत रहनी जमुना के चलते बाद विवाद भइल, हमनी के कूटपीट नहीं सन कैले हो हल्ला भइला के बाद में हमनी के निकाले वाला काम कैनी सन, बूट से वहाँ के पीठ पर मारल नहीं गई चाहे वहाँ के पीठ पर नहीं मारल गए, वहाँ के पहले से ही स्पाइनल के एगो घाइते रहनी आ अभी वह चीज के इशू बना रहा। अगर हम झूठ बोलम हम अपना पक्ष में बोलम
डीएसपी अपना पक्ष के बात करी, इंस्पेक्टर अपना पक्ष के बात करी, वहाँ 12-13 आदमी जो रहे उनमें से एक वो आदमी कहो कि हम वहाँ कथी बोले। इतने हमार गुनाह बा कि इंस्पेक्टर साहब कौन पंच में बदमाश बा, दलाल बा, कौन नेता कार्यकर्ता यहाँ दलाल बैठल बा, अपने पहचान करी आ ओकरा के कार्रवाई करी, आ ना तो सब पंच के आ सब नेता के अपने के दलाल कहे के ना मिली, इनमन बात ना भई। इतने कहते बात डी एस पी आदेश कैलन आ इंस्पेक्टर आ डी एस पी दोनों मिलकर रूमे में पहले हमारा के बजरलक पटकलक मेरुदंड पर मरलक, ओकरा बाद बरंडा में भी एक बेर आवरी पटकलक मेरुदंड पर मरलक, आ जो कथी से मारत रहे लोग अपने लात से जूता पहले रहे लात से मरलक, जब गिर गई भूखुनिए तो लात से मेरुदंड पर मरले बा। ठीक बा, हम बीमार रही लेकिन आज 12 जिला भर के लोग जाना था कि हम आज 4-5 बरस से हमारे स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया, हम अपन सब काम काज करत रहिए। पहले भी तो अपने दिल्ली इलाज चलत रहा, दिल्ली इलाज चल रहा, पूर्ण रूप से हम ठीक हो गए, 100% ठीक हो गए, लेकिन उनका बूट के उनका लात के जो चोट बा हमारा मेरुदंड में अभी ऑपरेशन करे के अवस्था आ गई बा, उसी बेर ऑपरेशन के बात ना आए, अभी ऑपरेशन करे वाला अवस्था है। 12 प्रहरी के एसपी साहब बने होवेंद्र बोगटी, वहाँ से बातचीत होता तो वहाँ कह रहा बानी कि जे इ घटना में जे भी संलग्न रहे दूजने के हमने के 12 प्रहरी सरुआ कर चुकल बा, इंस्पेक्टर साहब के काठमांडू पठावल गई बा और डीएसपी साहब के जनकपुर पठावल गई बा, फिर भी अपने के 12 में जौन बाटे अपने के प्रदर्शन रुके के नाम निकल लेत, विभिन्न राजनीतिक दल के एकबद्धता में अपने के प्रति समर्थन सहानुभूति जना रहा बा लोग। अब ये आंदोलन लंबा समय तक ले चली कि एकरा के से प्लानिंग करे खातिर का करे पड़े? अब एमे हम तो सबसे पहले 12 वासी के जितना नेता कार्यकर्ता लोग गांव गांव से आए भाई बहन लोग के सबसे पहले हम श्रद्धा और नमन करे के चाहें, धन्यवाद देवे के चाहें कि वो अन्याय के विरोध में वो लोग के आवाज़ बा। नेपाल प्रहरी जैसा पवित्र संस्था में 2 आदमी जौन डीएसपी पांडे और रूपेश शाह जैसन दुष्ट प्रवृत्ति के लोग के कार्रवाई होए के चाहिए, निलंबन होए के चाहिए, बर्खास्त जब तक ले ना हुई तब तक ले 12 के जनता कहता है, हमार बात नहीं थे 12 के जनता महिला पुरुष जरा गोड़ में चप्पल नहीं थे वो कहता कि दोनों पुलिस के बर्खास्ती हो के पड़ी, निलंबन हो के पड़ी। पुलिस को रोल बाकी ज़्यादा प्रोटेस्ट अगड़ी बढ़ी तो हमने के भी एक्शन ले बल प्रयोग कर शायद जे पुलिस के मुँह से बात निकलता ओकरा याद करे के पड़ी कि राणा शासन आ पंचायती शासन इहे जनता फेंक लेगा आ जौना संविधान के तहत पुलिस काम करता इहे जनता बनौ लेगा। अगर वैसन कोनो पुलिस से अगर शब्द निकलता जे हमनियो प्रतिकार करम तो शायद कितना बेर नेपाल पुलिस के जनता घुटना टेकौले बा उ अवस्था ना ऐसे बात होती, ऐसे वैसन पुलिस का सतर्क होए के पड़ी। लोकतांत्रिक गणतांत्रिक संविधान के तहत के पुलिस हो, नेपाली जनता सार्वजन सत्ता संपन्न जनता के पुलिस हो, पब्लिक सर्वेंट हलो। अपने के पक्ष में अपने ही के पार्टी में 2 गुट बा, एक गुट अपने के सहयोग कर रहा, एक असहयोग कर रहा बा। हमरा वैसन नहीं लागत कि ये आंदोलन में पार्टी भीतर के गुट आउट गुट बा, सारा लोग में आ रहा बा। आज जरा वैसन मनस्थिति व्यक्तिगत रूप से हमरा जरा चीड़ हुई, हमरा से व्यक्तिगत रूप से जरा ठीक ना बुझात हुई उ लोग ना आवत हुई, ना तो नेपाली कांग्रेस के जितना खाली अभी नेपाली कांग्रेस के आंदोलन नहीं थे, या पब्लिक के सारा दल के आंदोलन हो गए, भाई जिला के आंदोलन हो गए, उसे एक 2 व्यक्ति का अले ना अले कोनो फर्क पड़ेगा। ई घटना के कहीं ना कहीं जातिवाद के नाम भी रंग लगावे के कोशिश कर रहा बा, रुआ लोग पर ऊपर आरोप लगा रहा बा। हमर जात के बा, हमर जात उमें हम अही रहे, एगो तो यही नहीं हम जाति पाति के विभेद ना होए के चाहिए, महिला पुरुष के विभेद ना होए के चाहिए, मानव अधिकार के संरक्षण होए के चाहिए, दलित जनजाति पति के विभेद ना होए के चाहिए, ऊपर वकालत करे वाला व्यक्ति भैया राम यादव है। आ हमरा पर ऐसा आरोप केहू लगावत हुई वो पूरा निराधार आरोप बा, अगर वैसा आरोप रही तो शायद लगता हम अहिर जात के हमारे नाम दिल बा, हम अहिर हैं यादव हैं,
लेकिन रउआ हम गारंटी के साथ कहतनी आंदोलन में 90% से बेसी 90% से कम और जात ना हो 10-15% रही। ये देव देखे वाला लोग के रोगल में मीडिया वाला एक बजा के इंटरव्यू करी ना, जो कौन जात बड़ल हो कौन जात बड़ल हो, उमे जवन समाज कहला जो दलित है दलित बा, उमे मुस्लिम बा, उमे और जात बा, हर एक जात के लोग के आंदोलन हो गए अहिंसा के आंदोलन रही रोगा एक बजा के। ये बिथोले वाला विभिन्न किस्म के षड्यंत्र होता जौन षड्यंत्र कुछ लोग इन्हें कर रहा है, वो पवित्र आदमी का पवित्र व्यवहार और पवित्र सोच अपवित्र व्यक्ति के इस बात चलिए बातचीत करनी खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।